हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट एडवांस रूलिंग। ये जो एडवांस रूलिंग है, या ये हमारी वेस्ट बंगाल अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग से, इस एडवांस रूलिंग के अंदर जो इशू है वो ये है कि हमारा एक सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे एक सर्विस प्रोवाइडर है जो कि क्या करते हैं, वो मोटर व्हीकल्स जो हैं वो देते हैं, और वो रेंट पे मोटर व्हीकल्स देते हैं किसी एक्स पार्टी को। और फिर उसके बाद ये रेंट के देने के बाद फर्दर जो मेरी एक्स पार्टी होती है, यहाँ पे इन्होंने रेंट पे दिए ये व्हीकल्स एक्स पार्टी को, वो क्या करती है, वो रेंटिंग की सर्विस जो है वो प्रोवाइड करती है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई यहाँ पे जो मेरा सर्विस प्रोवाइडर है, इसने परचेज करे कुछ मोटर व्हीकल्स, वो क्या करता है, वो ये फर्दर इन मोटर व्हीकल्स को रेंट पे दे देता है, और फिर उसके बाद ये जो एक्स पार्टी होती है वो इनसे रेंटिंग ऑफ पैसेंजर्स या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स जो होता है उसकी वो यहाँ पे सर्विस देती है। यहाँ पे वो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स जो होता है उसकी सर्विसेज देती है। तो अब जो मेरा सर्विस प्रोवाइडर है वो ये कहता है कि भाई हमें यहाँ पर जो हम परचेज कर रहे हैं मोटर व्हीकल्स, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो मिल जाना चाहिए। अब वो जो एप्लीकेंट है वो ये बात क्यों कह रहा है, एप्लीकेंट ये बात इसलिए कह रहा है, वो पढ़ता है सेक्शन CGST में एक्ट के अंदर जो आपका सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 17(5)(a)(b), वो ये कहता है कि भाई जो मेरा सर्विसेज हैं, वो ये कहता है कि मेरे जो मोटर व्हीकल्स हैं, सेक्शन 17(5)(a) को अगर हम देखेंगे तो वो ये कहता है कि मोटर व्हीकल्स का क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा एक्सेप्ट व्हेन दे आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विसेज। तो यहाँ पर सेक्शन 17(5)(a) को अगर हम पढ़ते हैं तो वो क्लियरली ये बोल देता है कि भाई अगर आपने किसी मोटर व्हीकल को, अगर कोई मोटर व्हीकल यूज़ हो रहा है, अगर कोई मोटर व्हीकल यूज़ हो रहा है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विसेज, अगर डायरेक्टली आप उसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विसेज के लिए यूज़ कर रहे हो, तो फिर आपको यहाँ पर ITC जो है वो मिल जाएगा, यहाँ पर ITC मिल जाएगा। पर हमारे वाले केस में जो मेरा एप्लीकेंट है, यहाँ पर अगर आप ये देखोगे मेरा जो एप्लीकेंट है, मोहन घोष इनका नाम है, वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली आपकी पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज को नहीं दे रहे हैं, ये डायरेक्टली मोटर व्हीकल परचेज करके ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस नहीं दे रहे हैं, ये पहले किसी एक्स पार्टी को रेंट पे दे देते हैं ये मोटर व्हीकल्स, और फिर ये मोटर व्हीकल्स जो एक्स पार्टी होती है ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस करती है। तो अब इस केस में हमारी एडवांस रूलिंग क्या है, उस बात को समझते हैं। ये देखेंगे आप, ये मेरे यहाँ पे वेस्ट बंगाल अथॉरिटी जो है उसकी एडवांस रूलिंग है। ये एडवांस रूलिंग जो है वो किसके केस में है, ये केस में है नेम ऑफ द एप्लीकेंट है मोहाना घोष, जो कि कैरी ऑन कर रही थी बिजनेस इन द नेम ऑफ रेशम एसोसिएट्स। तो इस केस के अंदर यहाँ पर जो मेरा एप्लीकेंट था वो क्या काम करता था, वो सप्लाई करता था कैब्स, वो कैब्स को सप्लाई करते हैं रेंट के बेसिस पे, और उन्होंने एडवांस रूलिंग ली है कि क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा जो वो मोटर व्हीकल्स परचेज कर रहे हैं। तो इस केस में जो हमारी बेंच थी उसने क्या स्टैंड लिया, उस बात को समझते हैं। सबसे पहले जो हमारी एडवांस रूलिंग की बेंच थी उसने कहा सेक्शन 17(5)(a), वो गए सेक्शन 17(5)(a) में, उन्होंने ये कहा एज पर सेक्शन 17(5)(a) इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो अवेलेबल नहीं होता है ऑन इनवर्ड सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल्स, की मोटर व्हीकल्स जो हैं उसका ITC नहीं मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको दिखाया CGST एक्ट के अंदर, यहाँ पे वो क्लियरली ये बोल देता है कि मोटर व्हीकल्स जो हैं उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, और यहाँ पर वो ये भी क्लियर करता है कि कब नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट व्हेन दे आर यूज्ड फॉर, या तो वो फर्दर सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल्स में यूज़ हो रहे हो या फिर आउटवर्ड सप्लाई हो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विसेज। अब यहाँ पर जो हमारा एप्लीकेंट है वो ये कह रहा है कि वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, पर जो एक्ट है यहाँ पर अगर हम पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस जो है अगर इसे पढ़ें तो ये क्लासिफाई होता है अंडर SEC कोड 9964। अब क्वेश्चन ये आता है कि मेरा यहाँ पर ये जो सर्विस प्रोवाइडर है, क्या इसकी सर्विसेज को पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज बोल दिया जाए, जबकि वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ रेंट पे दे रहा है मोटर व्हीकल्स को। तो यहाँ पर जो बेंच थी उसने डिफाइन करा, उसने कहा कि भाई अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज को पढ़ा जाए तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, जिसके अंदर वो अपनी बिलोंगिंग्स को कैरी कर भी रहा है या फिर वो कैरी नहीं कर रहा है। द रिसिपियंट ऑफ सर्विस, हम कब मानते हैं पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, जब जो रिसिपियंट ऑफ सर्विस होता है, मतलब कि जो फाइनल सर्विस रिसीवर होता है वो एक पैसेंजर होता है जो कि ट्रैवल कर रहा होता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस में,
और अगर आप मेरा ये केस देखेंगे तो इस केस में अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मेरा सर्विस प्रोवाइडर है, ये इसका मोटर व्हीकल है, ये यहाँ पर मोटर व्हीकल जो है ये दे देता है सर्विस रिसिपियंट को, और ये जो है इसके रेंट इससे चार्ज करता है। तो यहाँ पर ये इससे क्या होता है, एक फिक्स अमाउंट चार्ज कर रहा है, ठीक, जो कि इसका क्या होता है, रेंट होता है कि भाई अगर ये व्हीकल चले या ना चले। और फिर उसके बाद ये जो सर्विस रिसिपिएंट होता है ये फर्दर आगे जाके पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्टेशन करता है, ये जो मोटर व्हीकल मिलता है इसमें ये पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करता है। तो अब इस केस में अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो बेंच है उसने ये कहा कि पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में आपके पैसेंजर की ट्रैवलिंग होनी चाहिए, ठीक, उसके पास कंट्रोल होना चाहिए ओवर द कैरिएज प्रोवाइडिंग हिम द सर्टेन मेजर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर उसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि जो सप्लाई है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द रिसिपिएंट एज अ पैसेंजर तब रहता है, और जो कंसिडरेशन होती है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो कंसिडरेशन होती है वो दी जाएगी फॉर द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो इसका मतलब कि अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस बनानी है तो उसके अंदर सबसे पहले आपका एक पैसेंजर जो है वो ट्रैवल करना चाहिए, उसके पास बिलोंगिंग हो या ना हो। अब फिर उसके बाद जो कंसिडरेशन होती है वो सारी डिपेंडेंट करती है कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा गया है। भाई अगर डिस्टेंस ट्रैवल ही नहीं करा जाएगा तो कोई भी कंसिडरेशन नहीं होगी। अब दूसरी तरफ हमारी बेंच जो है उसने रेफर करी डेफिनेशन ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। उन्होंने कहा रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल जो है वो फॉल करती है अंडर एसईसी कोड 9966। उन्होंने ये कहा कि अगर रेंटिंग ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस जो है वो पैसेंजर नहीं है, ही इज एंजॉइंग द सर्विस ऑफ हैविंग प्रोवाइडेड अ मोटर व्हीकल। हम कब कहेंगे कि रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल है, जब मेरा जो रिसिपिएंट है वो कोई पैसेंजर नहीं है, तब कि वो क्या कर रहा है, वो एंजॉय कर रहा है बेनिफिट ऑफ रिसीविंग अ मोटर व्हीकल। अब उस मोटर व्हीकल में आप ड्राइवर दे भी सकते हो या फिर आप ड्राइवर नहीं भी दे सकते हो। इवन व्हेन एनी पर्सन इज द रिसिपिएंट ऑफ द सर्विस और समवन ऑफ हिज चॉइस इज बीइंग एक्चुअली ट्रांसपोर्टेड, द कंसिडरेशन इज नॉट पेड फॉर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बट फॉर द रेंटिंग ऑफ कैब। तो यहाँ पर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल जो है उसके अंदर डिफरेंस क्या आ गया, उसके अंदर डिफरेंस ये आ गया कि यहाँ पर आपका पहली बात कोई पैसेंजर जो है वो नहीं होता, दूसरी बात कि यहाँ पर कभी भी जब रेंटिंग ऑफ कैब की बात होती है तो डिस्टेंस के हिसाब से रेंट जो है वो नहीं दिया जाता। यहाँ पर एक फिक्स्ड अमाउंट होगा, आपको वो फिक्स्ड अमाउंट जो है वो देना होगा, रेंट उसका देना होगा, डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं होगा। यहाँ पर सपोर्टिंग में जो बेंच है उसने ये भी कहा कि भाई अगर हम इन्वॉइसेस देखें जो हमारे एप्लीकेंट हैं उसने इन्वॉइसेस के अकॉर्डिंग जो उसके रिसिपिएंट्स हैं वो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि वेस्ट बंगाल पोस्टल सर्कल, जो कि क्लियरली इंडिकेट करता है कि उनका ट्रैवल एक पैसेंजर की तरह नहीं है। यहाँ पर वो ये कहते हैं कि यहाँ पे जो हमारा सर्विस रिसिपिएंट है वो सर्विस अमाउंट को सर्विस प्रोवाइडर जो है उसे जो पे कर रहा है वो उसे पे कर रहा है एक फिक्स्ड अमाउंट, वेदर और नॉट द कैब इज मूव, कैब चले या ना चले फिर भी रिसिपिएंट को एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो उसे पे करना पड़ रहा है। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि भाई जो मेरी सर्विस दी जा रही है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर जो है वो तो नहीं है, किसी भी कीमत पे वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विसेज नहीं बनती हैं। तो यहाँ पर जो फाइनली जो बेंच है उसने ये कहा कि रेंट अ कैब जो है वो डिफाइंड नहीं है जीएसटी पे, पर नेचर ऑफ एप्लीकेंट की सर्विसेज को देखा जाए तो उससे ये असर्टेन करा जा सकता है, इनवॉइसेस से ये असर्टेन करा जा सकता है कि वो एक कैब रेंटल सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस को जैसे कि वेस्ट बंगाल पोस्टल सर्विस। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि जो एप्लीकेंट होता है उसे रिसीव होता है एक सर्टन अमाउंट एज कंसिडरेशन इन रिस्पेक्टिव ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है या नहीं हुआ है, मतलब कि अगर डिस्टेंस ट्रैवल नहीं हुआ है तो भी आपको रेंट पे करना है, तो इसका मतलब कि एक रेंटल सर्विसेज है ये, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस नहीं है। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए जो हमारी बेंच थी उसने ये कहा कि जो नेचर ऑफ सर्विस है वो क्लासिफाइबल है नॉट एज अ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विस बट वो क्लासिफाइबल है एज रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। तो यहाँ पर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल जो है उसके अंदर क्लियर है कि जो जीएसटी पे करोगे परचेज ऑफ मोटर व्हीकल्स पे या फिर अदर इनपुट्स पे, किस चीज़ के लिए, फॉर सप्लाई ऑफ एप्लीकेंट सर्विस, मतलब फॉर सप्लाई ऑफ रेंटिंग ऑफ कैब सर्विस इज नॉट एडमिसेबल एज पर सेक्शन 17(5)(b)(1). अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ हमारा सेक्शन है 17(5)(b)(1), तो वो क्या बात करता है, 17(5)(b)(1) क्लियर बात करता है। यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो वो क्लियरली ये बोलता है (b)(1) कि जीएसटी क्रेडिट जो है फॉलोइंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज और गुड्स, जिसका जीएसटी क्रेडिट नहीं मिलेगा, और यहाँ पर आपकी रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स जो है उसकी भी बात हो रही है। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई कि अगर जो मेरा पैसेंजर है यहाँ पे, जो मेरा सर्विस प्रोवाइडर है वो प्रोवाइड कर रहा है रेंट अ कैब की सर्विस, वो रेंट अ कैब की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर जो है उसकी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा है,
तो इसीलिए यहाँ पर उसे जीएसटी का कोई क्रेडिट ऑन परचेज ऑफ मोटर व्हीकल्स जो है वो नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो, होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।